जो पिक्चर है ये बिजनेस वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज इंडिया, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी हाल ही में लव जिहाद को लेकर लगातार जिस तरीके से ये टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा था, उसके बाद अब नेटफ्लिक्स की सीरीज को भी लव जिहाद से जोड़ दिया गया है। दरअसल इस सीरीज में एक लड़का जो मुस्लिम समुदाय से है, वो एक लड़की को किस करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको लेके बीजेपी नेता ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद को सपोर्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स ने ऐसी सीरीज बनाई है। अब नेटफ्लिक्स ने ये सीरीज क्यों बनाई है, इसको लेके लगातार अब कार्रवाई होने की बात हो रही है। इसके बाद ही ये पता चलेगा कि इस सीरीज में सच में लव जिहाद को प्रमोट किया गया है या नहीं किया गया है। फिलहाल आपको बता दूं कि लव जिहाद को लेकर लगातार बीजेपी शासित प्रदेश में कानून बनने की बात हो रही है। इसमें यह है कि अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का लड़का किसी अन्य समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग में होता है या फिर रिलेशनशिप में होता है, तो अगर शादी होने की बात होती है तो उसे लव जिहाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर लगातार जिस तरीके से कानून बना है, उसमें 5 साल की सजा बीजेपी शासित प्रदेश में तय कर दी गई है। अब आपको बताता हूं कि किस तरीके से इस सीरीज को लव जिहाद में देखा गया है। दरअसल नेटफ्लिक्स की सीरीज अ सूटेबल बॉय में एक मुस्लिम समुदाय के लड़के ने मंदिर के पीछे एक सीन में जहां लड़की को 3 बार किस किया है, जिसके बाद एमपी के से मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को यह आदेश दे दिया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के जो कर्ता धरता है, जो वहां के स्टाफ है, उनको जल्द से जल्द पुलिस उनसे कार्रवाई करेगी उन पर, और साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी जो है वो अब बैठेगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसमें यह भी हो सकता है कि जो नेटफ्लिक्स के स्टाफ है, जो एक्टर्स हैं और जिन्होंने जो डायरेक्टर थे, उनको भी एमपी बुलाया जा सकता है, जहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों और किस लिए ऐसी सीरीज बनाई जो लव जिहाद को प्रमोट करता है। हालांकि ये लव जिहाद जो है ये बीजेपी का शब्द है, जो बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती रहती है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दूं, जिस तरीके से चुनाव आने वाले चुनाव को लेके, यूपी चुनाव की बात कर लें चाहे बंगाल चुनाव की बात कर लें, इन दोनों को लेके बीजेपी लगातार तैयार नजर आ रही है, जिसको लेके लव जिहाद जैसा जो शब्द है उसको लगातार प्रमोट किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देखा जाएगा, न्यूज चैनल पे देखा जाए, लगातार जो ये शब्द है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि इसी शब्द के सहारे आगे जो चुनाव है उसको लड़ा जा सके। इसी के साथ आपको बता दूं, नरोत्तम मिश्रा ने केस किया है, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक विशेष समुदाय को ये सीरीज जो है वो आहत करती है, वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचाती है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। जो पिक्चर है ये बिजनेस वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। मैंने प्रोफेसर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसका परीक्षण करें। ये परीक्षण के बाद कृत धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रथम दृष्टया पाया गया है, इसलिए तय किया है कि रीवा में धारा 255 ए के तहत इसका प्रकरण दर्ज किया जाए। जो फरियादी हमारे गौरव तिवारी हैं, उनके आवेदन पर और उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया। रीवा से गौरव तिवारी ने ये शिकायत एसपी को दर्ज कराई थी कि ये जो सीरीज है वो एक पर्टिकुलर समुदाय को हर्ट करती है, उनके जो सेंटीमेंट्स है उसको हर्ट करती है। इसको लेके शिकायत दर्ज की और कार्रवाई करने की मांग की है। अब फिलहाल जिस तरीके से सीरीज को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें लव जिहाद का जो एंगल है वो निकाल दिया गया। फिलहाल ऐसा कोई एंगल जिस तरीके से नेटफ्लिक्स ने निकाला, नेटफ्लिक्स का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं लगता। लेकिन क्या आपको लगता है कि लव जिहाद जैसा शब्द जो है वो सच में नेटफ्लिक्स ने इस्तेमाल किया? जिस हिसाब से लगातार सीरीज आती रहती है, लगातार हम लोग देखते रहते हैं, काफ़ी ऐसी सीरीज आई हैं जो यूथ से रिलेटेड होती हैं। हर रोज़ अगर नेटफ्लिक्स अमेजोन की बात की जाएगी, प्राइम की वीडियोज़ की भी बात की जाएगी, तो लगातार आजकल ऐसी सीरीज आ रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं यूथ को प्रमोट किया जाता है, यूथ की सोच पर बात की जाती है, यूथ को लेकर मूवीज सीरीज बनाई जाती है, ताकि आज का जो यूथ है सही और गलत के बीच में फैसला कर सके। आपको क्या लगता है कि क्या सच में नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को लव जिहाद से जोड़ा है, कि क्या सच में नेटफ्लिक्स ने लव जिहाद जैसे शब्द को प्रमोट करने के लिए यह सीरीज निकाला है? क्या सच में नेटफ्लिक्स यही चाहता था कि लव जिहाद जैसे शब्द को प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इसको जो बीजेपी का शब्द लव जिहाद था उसी को लेकर नेटफ्लिक्स ने बनाया, ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करने के लिए नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को बनाया, जैसा कि नरोत्तम शर्मा एमपी के मंत्री बोल रहे हैं? आप अपना कमेंट जरूर दें, क्या लगता है आपको?
इसी के साथ अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।